सो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो हम लोग आ चुके हैं वापसी मोटर कॉन्सेप्ट में, और ऑडियो के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट थी। अपकमिंग कार्स में आपकी सबसे ज़्यादा जो आज के टाइम पे आप लोग गाड़ियाँ देख रहे हो वो है ह्यूंडई क्रेटा और किया सेल्टोस। तो मेरे पास एक क्वेरी भी आ रही थी, पाजी ने बोला कि आज हम लोग सेटअप भी कर रहे हैं, पाजी ने कहा एक बार आप लोग देख लेना। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसा सेटअप दिखाने वाला हूँ जिसमें लोग बोलते हैं कि भाई मेरे को फ्रंट स्टेजिंग के साथ में रियर में मैं कोएक्सल चाहता हूँ। एक ये वाली क्वेरी काफी ज्यादा आती है और ये काफी मार्केट में ट्रेंडी भी हो गई है। प्रैक्टिकल सेटअप, हाँ, ये प्रैक्टिकल सेटअप है जिसमें लोग कहते हैं कि मैं एम्पलीफायर इसमें लगाना चाहूँ तो क्या वो सक्सेसफुल है क्या सक्सेसफुल नहीं है। तो इसके ऊपर जो है हम लोग आज एक वीडियो बना रहे हैं। आज हमारे पास है 2020 की ह्यूंडई क्रेटा। हम लोग आए हुए मोटर कॉन्सेप्ट में जो कि एक प्रीमियम ऑडियो स्टोर है, ऑडियो डेडिकेटेड स्टोर है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया सीट कवर भी लगाओगे या फिर इंटीरियर भी करोगे, तो भाई पाजी जो है केवल आप लोगों को फुल ऑडियो के बारे में बताते हैं। तो क्या क्या सेटअप यूज़ हो रहा है पहले वो मैं आप लोगों से जो है डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ में जिनकी गाड़ी है उनका क्या पूरा माइंड सेट है इसको लेके, और गाड़ी आई के ऊपर ही बेस वेरिएंट है या बेस से ऊपर ई मॉडल बेस वेरिएंट है। ई मॉडल गाड़ी है तो ई मॉडल में क्या रहता है कि आप लोगों का जो स्टीरियो वाला स्लॉट होता है वो पूरा आपको क्लियर मिलता है। क्या क्या चॉइसेस आप लोगों को मिलती है वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, और बाकी जो आउटपुट होगा उसके बारे में आज की वीडियो में करूँगा। गाइज हमारे पास जो गाड़ी आज आ रखी है वो है सफ़ेद रंग की गाड़ी, जो कि आप लोगों को ई वेरिएंट में जो है देखने को मिलती है। ऑलरेडी जो इसका काम है वो स्टार्ट हो चुका है। क्या क्या हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो ऑलरेडी जो इंस्टॉलेशन की तरफ आ चुका है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि एक क्वेश्चन मेरे पास हमेशा रहता है कि भाई ई वेरिएंट में ऑडियो ओरिएंटेड अगर मैं चीज़ रखता हूँ तो मैं क्या चीज़ लगा सकता हूँ। तो इसमें हम लोग सोनी का जो है स्टीरियो इंस्टॉल कर रहे हैं। भाई सबसे पहले कौन सा स्टीरियो जो है आपने प्लान किया? देखिए अगेन जब हम दूसरी गाड़ी करते हैं तो हमारे पास 7 इंचेस की ऑप्शन भी होती है, ठीक है, लेकिन अभी 9 इंचेस में रीजनेबल सिर्फ सोनी ने एक मॉडल निकाला है। मैं बार बॉक्स देखना चाहूंगा क्योंकि मैं अंदर देख पा रहा हूँ, बॉक्स आपने रखा भी हुआ है। तो 8000 इसका नाम है AX8000। तो आप लोग देख सकते हो ये आप लोगों का 9 इंचेस में जो है वो आप लोगों को अवेलेबल हो जाता है, और इसी के साथ में सोनी की जो एश्योरिटी है वो आप लोगों को मिलती है। तो भाजी इसमें जो हमारा स्टीरियो होता है वो थोड़ा सा आगे की तरफ में लिफ्टेड निकलता है। लिफ्टेड नहीं होता, देखिए वो मर्ज हो जाता है, लेकिन एग्जैक्टली फ्लश माउंटिंग नहीं होती, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लगता है। और जब सोनी लगा होता है तो इन एनी केस उसकी जो फील आती है और जो लुक फील आती है, टच की जो फील है, थोड़ी सी प्रीमियम आ जाती है। और एप्पल कार पे एंड्रॉइड ऑटो आपको इनबिल्ट मिल जाता है। इनबिल्ट मिल जाता है तो हाँ, यूट्यूब के लिए भी वेब लिंक की ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन बहुत मैं वीडियो ओरिएंटेड, बहुत लोग जो नहीं होते जो साउंड ओरिएंटेड होते हैं वो वीडियो को इतनी प्रेफरेंस नहीं देते। तो मैं आप लोगों को दिखायाता हूँ, ये आप लोगों का AX वाला जो वेरिएंट पाजी ने आप लोगों को बताया वो यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है। ये इतना सा जो गैप वाली चीज़ है ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगेन ये फुल 9 इंचेस में आप लोगों को जो है अवेलेबल हो जाता है। इसी के साथ में इस वाले वेरिएंट में माउंटेड बटन्स आते नहीं है, तो अगेन पेयरिंग की कोई दिक्कत है नहीं। अगर आगे चल के कोई माउंटेड बटन लगाता है तो वो भी इसके साथ पेयर इजली हो जाते हैं। एब्सोल्युटली वो पेयरिंग आपकी हो जाती है। आप माउंटेड कंट्रोल्स आज के टाइम पे कंपनी भी अपने सर्विस सेंटर में स्टीयरिंग माउंटिंग बटन्स दे रही है ई वेरिएंट के, ठीक है, यू कैन पेयर इट, कैमरा इसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है। तो जो बेसिक चीजें हैं वो सारी इसमें इंटीग्रेट हो जाती हैं। प्लस इसमें अभी हम फ्रंट कंपोनेंट और एक रियर को एक्सेल प्लान कर रहे हैं, ठीक है, तो साउंड एक सिंपल अच्छी साउंड प्रेफर कर रहे थे। एम्पलीफिकेशन अभी इन्होंने प्रेफर नहीं करी थी कि मेरे को सिंपल चाहिए, मेरे को बहुत ज़्यादा वायरिंग नहीं दिखनी और धूमधड़ाका भी नहीं होना चाहिए, हाँ, लेकिन डिसेंट साउंड चाहिए, रिफाइनमेंट चाहिए साउंड में। तो इसीलिए हमने मर्करी का C165 इनको रिकमेंड किया, ठीक है, आगे। और पीछे जो है अगेन कटिंग की ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होती है, हालांकि एक स्पॉट है जो हमने लास्ट टाइम एक क्रेटा में दिखाया था कि हमने पीछे कटिंग करी थी, लेकिन इसमें हम कोएक्सेल्स पे जा रहे हैं तो वो मेम्फिस का PRX सीरीज का कोएक्सेल है जो कि बहुत डिसेंट है। अगेन आप लोगों को अमेरिकन ब्रांड जो है वो मिल जाता है, इसके साथ वो डिसेंट मैच करता है, मिडवेस अच्छा आता है, तो एक बहुत अच्छा क्लासी साउंड होने वाली है डिसेंट मिडवेस। एक चीज और बताना पाजी, इसमें मैंने देखा कि आप बैक कैमरा भी इंस्टॉल कर रहे हो, हाँ जी। तो पाजी के पास आप लोगों को देखो मैंने जैसे कहा ऑडियो ओरिएंटेड जरूर है, लेकिन जो प्लग एंड प्ले वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बैक कैमरा हो गया, सेंसर में पाजी बिल्कुल भी डील नहीं करते, लेकिन जैसे बैक कैमरा हो गया तो उसमें आप लोगों को जो है पाजी असिस्ट जरूर कर देंगे। जिन भैया की गाड़ी एक बार मैं उनसे आप लोगों को बात कराता हूँ, भैया एक बार आप इस तरफ आ जाइए, ठीक है, तो भैया से भी हम लोग बात करा देते हैं आप लोगों को। और भैया एक बार अपना नाम बता दीजिए। डॉक्टर रोहन। सर कहाँ से आए आप? बिजनौर। बिजनौर से आए, तो सर एक चीज़ बताओ कैसे ये मतलब आपका मतलब पहले से आपने सोचा हुआ था कि मेरे को कॉम्पोनेंट और कोएक्सल लगाना है, या भैया ने आपको सजेस्ट किया? नहीं, भैया ने भी सजेस्ट करा, मैंने आपकी भी वीडियो देखी थी जो आपने अपने किया में लगवाया था सेल्टोस में, ठीक है, तो उसे देख के थोड़ा मेरे को आइडिया मिल गया इस चीज़ का। अच्छा एक चीज़ और मेरे को बताना, वैसे जो आप अभी काम होते हुए देख रहे हो पूरा प्रोसेस, क्योंकि आप फॉलो कर रहे हो, आप देख भी रहे हो, तो कितने कामली जो है काम आपका हो रहा है पहले ये बताओ। इट्स रियली गुड, और अभी बहुत जल्दी जो है भैया कुछ बहुत बड़ी चीज़ भी लेके आने वाले ऑडियंस के लिए, जिसके लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि आगे आने वाले टाइम पे आपको ब्लॉग में देखना। काम बहुत अच्छा है भैया का, काम बहुत अच्छा है, और भैया को मैंने ऐसा कुछ बोलने के लिए नहीं बोला है भैया जो है अपनी मर्जी से चीज़ बता रहे। भाई एक बार ये ऑडियंस को प्रोडक्ट्स दिखाए थे जो हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ आ रही थी। एक क्वेश्चन जो बहुत कंटिन्यूसली मेरे पास इंस्टाग्राम में भी आ रहा है, पाजी जो हमारा मर्क्यूरी वाला CE वाला है
उसका जो फ्रंट लुक होता है क्या वो चेंज हो चुका है, ऐसा कुछ बॉक्स का लुक चेंज हुआ? नहीं नहीं, बॉक्स ऐसी कोई खबर तो नहीं है, ऐसा कोई चेंजेस नहीं आया। हाँ थोड़ा प्रोडक्ट में चेंजेस थे, तो C165 जो मॉडल था ठीक है उसने जो कम बैक लिया वो अराउंड 3-4 मंथ्स के बाद आई है। तो हाँ जो हम पहले हम इसको प्लग एंड प्ले एप्लीकेशंस में बहुत कम यूज़ करते थे, अब ये प्रॉपरली प्लग एंड प्ले एप्लीकेशंस के लिए भी यूज़ हो रहा है। जैसे आप बिना एम्प के भी अभी इसका रिजल्ट देखेंगे तो इट विल बी अमेजिंग। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ और भैया से फीडबैक भैया, नो एम्पलीफायर्स, तो एक्सपेक्टेशन कैसी है पहले तो ये बताओ, क्योंकि आपके पास ई वेरिएंट गाड़ी है भैया, ये तो सुनने के बाद ही पता चलेगा अभी मेरे को। अच्छा सुनने के बाद आप फीडबैक दोगे हम लोग। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। फिलहाल के लिए पर प्रोडक्ट दिखाते हैं और उसके बाद फिर जैसे इंस्टॉलेशन वाला प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है उसका इसके बारे में बातचीत करते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताता हूँ, बैक कैमरेज में आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जो कि आप लोगों को स्टॉक लोकेशन में जो आप लोगों की कंपनी की साइड से आता है वो वाला आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है। इससे अगर ओल्ड मॉडल में आप जाओगे तो उसमें वाइट कलर की कैप यानी कि जो आपकी लाइट कैप होती है उसी के साथ वो इंस्टॉल हो जाता है। वो अगेन आपको चॉइस वाइज जो है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ देखने को मिल जाती है, एंड डिपेंड कि आप लोग कहाँ से काम करा रहे हो। पाजी अगर आप लोग कहोगे तो पाजी के लिए भी अवेलेबल था ये वाला, लेकिन भैया ने कहा कि मुझे एक्सटीरियर लाइट्स वाला नहीं चाहिए, ठीक है मुझे इंटीग्रेटेड चाहिए और नीट लुकिंग कैमरा चाहिए। तो ये हमने ब्लॉपंग का भी कैमरा लगा रहे हैं जो फ्लश माउंट हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज जो क्रेटा का ओरिजिनल कैमरा है जो इसके ओरिजिनल फिटिंग्स में चला जाता है वो भी अवेलेबल है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। एक बार प्रोडक्ट्स आप लोगों को दिखाता हूँ फिर और बातचीत करते हैं। गाइस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। CE165 जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों का प्रेफरेंस होता है, पर्सनली मैं भी इसको यूज़ कर रहा हूँ। मैं ऑलरेडी जो उसको अपनी i20 के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका एक बार आप लोगों को मैं ओवरलुक दिखाया था। अगेन आप लोगों को पूरा जो कहते हैं कि भाई हमें एक गोल्डन लुक में जो है चाहिए या फिर रोज़ गोल्ड वाले स्टाइल में जिनको चाहिए होता है, तो रोज़ गोल्ड की जो फिनिशिंग है उसमें आपको मिलता है। इवन जो लोगो आप लोगों को मर्क्यूरी का होगा वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अजी थोड़ा सा इसके बारे में और ब्रीफिंग दे दो। अपडेट्स आई थी जो इसका रबर सराउंड है उसमें थोड़ा सा चेंजेस किए हैं ताकि इसकी जो एक्सकर्शन है वो थोड़ी बेटर हो सके। मिड बेस का जो इफेक्ट है बिल्कुल वो इसमें थोड़ा सा और, ये हम लोगों ने ऑलरेडी सुन लिया, हम तो ऑलरेडी सुन चुके हैं, मैंने इसका आउटपुट भी सुन चुका हूं। लेकिन जो आपका लगा था इट्स बीन एक साल हो चुका है, हमने एम्पलीफिकेशन लगाई थी, वही मैं कह रहा हूँ कि आज भी हमने गाड़ी रेडी की थी सोनेट में, उसमें हमने प्लग एंड प्ले इसको अपग्रेड किया है, ठीक है। और अभी जैसे हम क्रेटा जो करने जा रहे हैं दिस इज मोर ऑर लेस अगेन विद स्टीरियो विदाउट एम्पलीफिकेशन, तो विदाउट एम्पलीफिकेशन भी जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं इस, मतलब अब ये जो है ये आपका प्लग एंड प्ले में भी पूरा सक्सेसफुल है। तो अगर एरीज और इसी में हमेशा चॉइस रहती थी, जब हम प्लग इन में थोड़ी प्रीमियम साउंड जाते हैं, अदरवाइज उससे एक लेवल नीचे जाए तो डीडी की ईसी सीरीज आती है विच इज अगेन वेरी गुड कंपोनेंट। तो ये तीन चार बिटवीन 10-20 ये 3-4 कंपोनेंट्स की ऑप्शन है जो काफी पॉपुलर है, डिपेंडिंग अपॉन टेस्ट एंड बजट हम उसको वेरी करते रहते हैं, ठीक है। आप लोगों को वही रोज गोल्ड स्टाइल में जो है आप लोगों के ट्विटर्स इसमें मिलते हैं, जो आप लोगों के क्रॉसओवर्स है उसकी प्लेसमेंट जो आपने हमेशा हुई हुई देखी है, लेकिन स्टिल अगर आप लोग इसमें भी जो मेरे को अपडेट आई थी कि इसका फ्रीक्वेंसी बैंड थोड़ा सा फर्क किया है, तो अभी जो है ये बेटर साइड में हुआ है या फिर कैसे हुआ है? बेटर साइड इन द सेंस कि स्टेजिंग थोड़ी सी इम्प्रूव करी है ताकि हमें जो थोड़ा सा जो वोकल के फ्रीक्वेंसीज हैं वो भी हमें थोड़ा ऊपर से फील होंगी, तो थोड़ा सा स्टेजिंग और बेटर करी है। तो थोड़ा सा वाइड बैंड, जितना वाइड बैंड हो जाएगा उतना आपको साउंड बेटर फील होगी, ठीक है। तो ये आप लोगों का फ्रंट स्टेजिंग के लिए जो कि हम कंपोनेंट इंस्टॉल कर रहे हैं, दैट इज CE165 अगेन एक वेरी रिनॉन्ड ब्रांड जो कि है मेम्फिस, जो कि एक अमेरिकन ब्रांड है। अगेन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोएक्सल में क्या चॉइसेस रहती है, तो कोएक्सल में बजट फ्रेंडली जो है बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों के पास है, लेकिन अगेन बहुत ज्यादा कॉमन नहीं था, पर मेम्फिस की पहले आई थी एक PRX सीरीज उसी का पार्ट था। जो नॉर्मली जो चलती है वो SR सीरीज आती है, वो बहुत एंट्री लेवल सीरीज है जो इनकी बेसिक थी, लेकिन PR सीरीज के हमारे को कुछ एक्सेस मिला इंपोर्टर से कि हमारे पास कुछ पीस पर तो मैंने मंगा लिया, क्योंकि मैंने इतना लास्ट अराउंड 3 इयर्स बैक मैंने मेम्फिस बहुत लगाया था PRX सीरीज एंड रिजल्ट्स वर अमेजिंग, जिसको थोड़ा सा किक और ब्राइट थोड़ा पसंद है। जितना भी अमेरिकन लोग हो गए, अमेरिकन लोगों को जो है थोड़ा सा जितना जो टेस्ट होता है वो कहीं ना कहीं इंडिया से थोड़ा, एक्चुअली इसका एग्जैक्टली जो फील था वो अमेरिकन नहीं था, वो यूरोपियन आ गया था, अच्छा आ रहा था, ट्रेवल बहुत हार्श नहीं था बिल्कुल, तो ये बहुत पॉपुलर आता, तो मुझे फिर एक्सेस मिला तो मैंने इसको फिर यूज करने की कोशिश करी जो कोई अच्छी गाड़ियां। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। तो अगेन ये जो है हम लोग इंस्टॉलेशन की तरफ जाएंगे। अगेन पाजी स्टीरियो में क्या क्या ऑप्शन है, क्योंकि हर कोई जो है 9 इंची के लिए नहीं जाता है, तो अगर कोई छोटे इंचेस के लिए जाना चाहता है सोनी या पाइनियर में तो क्या क्रेटा में तो ऑप्शन है ही नहीं, क्रेटा में 9 इंचेस में जाना होता है, अदरवाइज 10 इंचेस में तो एंड्रॉइड की ऑप्शन आ ही रही है काफी, ठीक है ज्यादा पॉपुलर है। अगेन हमारे पास सोनी इसलिए इतना पॉपुलर है क्योंकि हमारे पास लोग साउंड की वजह से ज्यादा आते हैं, अदरवाइज आपने मार्केट में
एट अ डे आई थिंक 9-10 क्रेटा तैयार हो रही होती है, तो 90% में एंड्रॉइड स्टीरियोज ही करेक्ट 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 तो वो फ्रेम है, एंड्रॉइड भी अवेलेबल हो जाता है अगर आपको एटलीस्ट क्रेटा में चाहिए। मैं नॉर्मली एंड्रॉइड आपको पता है मैं यूज कम करता हूँ, लेकिन क्रेटा के लिए मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होती। ये तो सोनी का 9 इंचेस आ गया, अदरवाइज 7 इंचेस अच्छा नहीं लगता। मैंने बहुत शुरू में लगाया था तो मुझे भी बहुत फ्लैक्स आई थी इंस्टाग्राम पे कि भैया ये तो बहुत ही छोटा लग रहा है बहुत ही, तो मैंने भी यूज करना। तो आइदर लेट्स गो विद अ डिसेंट गुड एंड्रॉइड, कोई हाइपरसोनिक का या आप ब्लॉपंग का, ये डिसेंट एंड्रॉइड यूनिट्स है। अगर अच्छा आप ब्रांड में टोटली जाना चाहते हो तो सोनी 9 इंचेस अ ब्रिलियंट ऑप्शन एट अ रीजनेबल प्राइस। और जो हमारा पाजी टैब था पाइनियर वाला टैब था उसका क्या रिपोर्ट है? देखिए टैब अगेन उसमें क्या है कि कुछ ग्लिचेस हैं, कई बार उसका कैमरा नहीं चलता कई, तो मैंने टैब से भी थोड़ा सा बैकफुट लिया हुआ है कि मैं बहुत ज्यादा टैब को रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ ऑनेस्टली। चलो बहुत अच्छी बात है, ये रियल फीडबैक है जो कि क्योंकि देखिए कोई चीज वैसी अच्छी होती है कि एक बार लगाया और उसकी कंप्लेन अगर किसी चीज में, मैं नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा, लेकिन अगर 2-3 भी ग्लिचेस आ रहे थे ना तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है कई बार। चलो भाई करेक्ट बात है, एंड आई गेस कि आप लोगों को आइडिया मिल गया है, और बाकी एक बार इंस्टॉलेशन होने देते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों से और बात करते हैं। It's getting to my head. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there, there's a good guy. But he runs away at midnight. I'm sorry that I stole your car. Decisions, it should be my middle name. I love playing with fire, it's my favorite. Watch it burn my whole house down, I feel a thing. इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोगों ने आउटपुट सुन लिया, तो भैया थोड़ी जल्दी में भैया एक बार ये बता दीजिए कैसी लगी आपको आवाज़ पहले? साउंड बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छा है। और जिस चीज के लिए आपने लगवाया वोकल्स था वो मेन, तो वोकल्स क्लैरिटी कैसा है? क्योंकि मैंने आपको गाना भी सुनाया अभी, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है भैया, मजा आ रहा है, इट्स रियली नाइस। तो ऐसा हो सकता है कि पीछे वाला आपको बोले कि भैया आगे बैठ के तो बिल्कुल चमत्कार हो रहा है, पीछे बैठ के अलग सा क्यों लग रहा है? तो ये कोएक्सल में एक नॉर्मल फीडबैक मिल सकता है, ऐसा होता है? पीछे बैठ के भी आई थिंक सिटिंग एट द बैक पीछे भी आवाज अच्छी आती है, कोएक्सल की आवाज है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो भाई तो मतलब फीडबैक जबरदस्त है, एक बार थम्स अप कर दीजिए। सो गाइस आप लोगों ने पूरा क्रेटा वाला जो सेटअप है वो देखा, जरूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को काम जो है वो कैसा लगा। ये जितना भी काम आप लोगों ने देखा ये सारा काम हुआ है मोटर कॉन्सेप्ट में, जो कि एक ऑडियो प्रीमियम स्टोर है जो कि सिचुएटेड है रमेश नगर और कीर्ति नगर वाले स्लॉट में, ना रमेश नगर मोती नगर और मोती नगर मेट्रो स्टेशन के बीचों बीच है। और पिलर नंबर कितना है? 330 330। नहीं तो अगर आप गूगल में सर्च करते हो भैया का आप लोगों को जो है पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। तो भैया जो इसमें कॉस्टिंग के बारे में अगर बात करते हैं, हमने एक कॉम्पोनेंट मतलब पेयर कॉम्पोनेंट देखा, एक पेयर हमने कोएक्सल देखा, एक हमने इसमें सोनी का स्टीरियो 9 इंचेस वाला देखा, और बाकी इसमें डैम्पिंग का भी काम हुआ था। तो पाजी अगर आप कॉस्टिंग के बारे में ओवरऑल बात करते हो, क्या कॉस्टिंग जो है भैया ने आपको पे करी? देखिए इसमें हालांकि सामान बहुत ही लिमिटेड था और बहुत लोग इस चीज से रिलेट कर जाते हैं, क्योंकि 90% जो क्रेटा ओनर्स हैं जो ई मॉडल लेते हैं उनका रिक्वायरमेंट यही होता है कि हमें एक अभी माउंटेड बटन्स तो नहीं बेच रहे ना, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स में लगाता नहीं कि कुछ उसमें कई बार ग्लिचेस आ रहे हैं, तो 2-3 हम सजेस्ट कर देते हैं, हमारे साथ ही में है तो दिस गाय डू स्टीयरिंग कंट्रोल एंड ऑल बेसिक एक्सेसरीज। लेकिन अगर आपको एक स्टीरियो और चार स्पीकर्स की बेसिक रिक्वायरमेंट है तो इस तरीके का सेटअप हमारे पास भी अराउंड 25-30,000 से स्टार्ट हो जाता है। हाँ, स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हम एक अच्छा डिसेंट बेसिक एंड्रॉइड लगाते हैं विद 4 कंपोनेंट्स, ठीक है, एंड बेसिक डैम्पिंग। इसमें जो सामान वही लगा है, बेसिक लगा है, लेकिन इसमें जो सारे इक्विपमेंट्स थे वो टॉप ऑफ द लाइन थे। अगेन हमने स्टीरियो में देखा तो हमने सोनी का 9 इंचेस प्रेफर किया, ठीक है। जब हमने कॉम्पोनेंट्स की बात आई तो हमने बिल्कुल बेसिक 5-6,000 के कॉम्पोनेंट लिए, हमने प्रॉपरली के सीट थे। एंड इवन फॉर कोएक्सल हमने उसको मैच होते हुए कोएक्सल लिए और प्रॉपर चारों डोज की डैम्पिंग, अगेन मस्ट है चाहे
बेसिक करा रहे हो चाहे वो नहीं करा रहे हो, और आज के टाइम पे लोग भी यही रिक्वायरमेंट मांग चाहते हैं आज के टाइम पे जो एजुकेशन लेवल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाई हो गया, तो आप लोगों को जो है उसके बारे में पहले पता चल जाता है। तो बाजी अगर कॉस्टिंग के बारे में ओवरऑल बात करते हैं, क्या कॉस्टिंग हम लोग ठीक है, अप्रॉक्सिमेटली जो इसका पूरा सेटअप हुआ था वो अराउंड 60,000 का हुआ था, 60,000 ठीक है, और बहुत ही डिसेंट था। अगेन क्रेटा हमारे पास बहुत आती है और बहुत पॉपुलर गाड़ी है, लेकिन जिसकी सेल्टोस अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसे बोल रहा हूं सेल्टोस सब मेरे को नहीं, लेकिन इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर गाड़ी। अगर आज आप कहोगे कि दिल्ली एक्सेसरी किसी भी एक्सेसरी मार्केट में क्रेटा इज अ हॉट सेलर, अगर आप यूट्यूब पे जाओ तो क्रेटा इज अ हॉट सेलर, लेकिन किया सेल्टोस में ज्यादा अच्छा ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास क्रेटा वही आती है जिसका एक ऑडियो एक स्पेसिफिक काम चाहिए उनको, चाहे वो बेसिक में हो, मैं नहीं ये कहता कि हाई एंड में हो, आपकी अगर बेसिक 25-30,000 के सेटअप की भी रिक्वायरमेंट है तो वी आर देयर। लेकिन अगर आप कहते हो कि सारी एक्सेसरी लगा दो, तो देखिए वी स्पेशलाइज इन अ पर्टिकुलर फील्ड, आप हमको कहोगे कि आप प्रॉपर ऑडियो लगा दो, पाजी को आप बोलोगे पाजी भी आप क्रोम, लेकिन लगा दो, मैं क्रोम बाकी चीजों में मैं एक्सपर्टीज नहीं करता, मे बी लोग मेरे से बेटर वो चीज कर सकते हैं, तो मैं डेफिनेटली आपको उनको रिकमेंड करूंगा वो चीज। लेकिन हाँ, जब भी आप अपनी क्रेटा या कोई भी गाड़ी रेडी करने जाए, तो अगर ऑडियो करा रहे हैं तो ऑडियो स्पेसिफिक शॉप पे जाएं, अगर आप इंटीरियर्स करा रहे हैं तो इंटीरियर स्पेसिफिक शॉप पे जाएं, अगर आप डिटेल जिस तरीके से भैया भी दिखाते हैं, तो अगर आप डिटेलिंग करा रहे हैं तो एक स्पेसिफिक बंदे से, वही बंदा जो आप जो बंदा केवल एक पाथ को पकड़ के चलता है, वो इंसान जो होता है वो कह सकते हो पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है उसका करेक्ट होता है कि भाई हाँ मेरे को ये काम करके अच्छा देना है। अगर आप सारा काम मतलब कैसे बोलूं मैं, मतलब अगर आप डिटेलिंग भी एक ही जगह करा रहे हो, अलॉय भी वहीं से डलवा रहे हो, वहीं पर आपका इंटीरियर भी चल रहा है, तो थोड़ा सा हॉच पॉच हो जाता है, अगेन बहुत सारी चीजों की फिर प्रॉब्लम आती है, फिर बाद में आप बोलोगे भाई मुसाफिर भाई ने बोला था आप गलत जगह चले गए, काम खराब नहीं, मुसाफिर भी राइट, प्राइस सेंसिटिव होना एक बात है, लेकिन क्वालिटी पे फोकस करना एक बात है। आज ये सारी गाड़ियां देखिए 10 लाख अपवर्ड्स की गाड़ी है, करेक्ट, तो आपको उसकी केयर रखनी है, आपको उसका फ्यूचर देखना है। आज मैंने मुसाफिर भाई को 3 गाड़ियां दिखाई जो सारा सामान लगा हुआ दोबारा उतार के री इंस्टॉल, तो उतना नुकसान ना करवाइए, भले ही आप बेसिक सेटअप कराइए लेकिन अच्छा कराइए, ठीक है भाई। तो आई गेस कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, मुसाफिर को इंस्टाग्राम में फॉलो करना है, लिखिए MUSAFIR711 यानी कि मुसाफिर 7811, पाजी को अगर फॉलो करना है तो MOTORCONCEPT यानी कि मोटर कॉन्सेप्ट, आप लोग इंस्टाग्राम में लिख सकते हो। जो इंस्टॉल्स मैं नहीं दिखा पाता वो पाजी दिखा देते हैं, जो पाजी नहीं दिखा पाते तो मैं दिखाई देता हूं, तो आप लोगों तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। बाकी अगर आप लोग संडे ड्राइव का पार्ट बनना चाहते हो, जो कि हम बहुत टाइम से नहीं कर रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली जब वीडियो आ रही है पता नहीं इस टाइम पे हम संडे ड्राइव कर रहे होंगे नहीं कर रहे होंगे, लेकिन वी आर प्लानिंग वेरी गुड थिंग हो सके। कोविड की वजह से केसेस आर रेजिंग ऑन अ वेरी 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 बिग, बिल्कुल बोलते ना कि भाई आग की स्पीड से कोविड चल रहा है, इसलिए मैं संडे ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, आने वाले टाइम पे जरूर करेंगे जब सीट सॉलिड हो जाएगा। बाकी अगर आप लोगों को हमें फॉलो करना है फेसबुक में मुसाफिर स्क्वाड लिखो। सो विद दिस सेड गाइस, कर रहे हैं आज की इस वीडियो को एंड, सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड गुड बाय।